हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है रेडियंस आई में आज हम लोग अपनी एम सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें आज हम नए क्वेश्चंस के साथ हैं उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे अगेन डू नॉट मिस एनी वीडियो इन दिस सीरीज़ ये आप सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है एम सीरीज हर एक क्वेश्चन को देखिए उसको सॉल्व करिए उसकी एक्सप्लेशन को पढ़िए तो चलिए आगे बढ़ते हैं सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन जो था वो आपके लिए दिया था कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके ऑप्शन थे प्रोहिबिशन ऑफ लिकर राइट टू वर्क इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क और राइट टू इन्फॉर्मेशन इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट नहीं है सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू इन्फॉर्मेशन दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बल्कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके आर्टिकल 19 क्लॉज वन सब क्लॉज ए के अंदर आता है दैट इज इन फंडामेंटल राइट्स जिससे ये पता चलता है कि हर एक इंडिविजुअल के पास ये राइट right है कि वो गवर्नमेंट एंटिटीज के बारे में या किसी भी मैटर पे अगर गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो उसको रिट्रीव कर सकता है सो द करेक्ट आंसर इज राइट टू इन्फॉर्मेशन हम अपने आज की सीरीज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 1935 1937 1946 1947 सो द करेक्ट आंसर इज 1937 ये फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुआ था जिसके अंदर उन्होंने फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया था फाइनली 1937 सो आपको याद रखना है फेडरल कोर्ट इंडिया में कौन से एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आवर नेक्स्ट क्वेश्चन In context of Indian history, the principle of Dayachi refers to division of central legislature into two houses, introduction of double governments that is central and state governments having two sets of rulers, one in London and another in Delhi or division of the subjects delegated to the provinces into two categories. So, the correct answer is D, division of subjects delegated to provinces into two categories. Dayachi ka matlab hi hai where there is a

प्रोविंस में इन सब्जेक्ट्स को फर्दर रिवाइड किया गया था दो कैटेगरीज में रिजर्व कैटेगरी एंड दी ट्रांसफर्ड कैटेगरी कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जैसे रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं जो पुलिस जेल जस्टिस फाइनेंस इरीगेशन व टू बी एडमिनिस्टर्ड बाई दी गवर्नर एंड हिज एक्सिक्यूटिव काउंसिल और जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे एग्रीकल्चर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट to बी administered बाई द गवर्नर विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू Legislative काउंसिल कौन से एक्ट के थ्रू दयाची को इंट्रोड्यूस किया गया था यू नीड टू रिमेंबर दिस वज बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन नाइनटीन जिसको फेमसली मोन्टेक्यू चिल्म रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है सो so, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको डयाची के बारे में ध्यान रखनी है नेक्स्ट द एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट डिसेंट्रलाइजेशन और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो करेक्ट आंसर इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट ये इंट्रोडक्शन सेपरेट इलेक्टोरेट का किसके लिए किया गया था मुस्लिम के लिए किया गया था विच सोड सीड्स ऑफ सेपरेटिज्मी लीड टू दी पार्टिशन ऑफ दंट्री किसके टाइम पे किया गया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पे किया गया था थ्रू एन एक्ट ऑफ नाइनटीन जीरो नाइन विच इज फेमसली कॉल्ड एज मोरले मिंटो रिफॉर्म एंड मिंटो को क्या कहा जाता है द फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सो so इन्फॉमेशन भी आप ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नाइन्थ स्केल ट्वेल्थ स्केडूल टेंस केड्यूल और इलेवंथ स्कड्यूल द करेक्ट आंसर इज ट्वेल्थ स्केड्यूल नेक्स्ट विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच एक तरफ में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन दिए गए हैं दूसरी साइड पे आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट है आपको मैच करना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है सिटीजनशिप इन पार्ट टू यूनियन टेरिटरी इन पार्ट सेवन म्यूनिस्पैलिटी इन नाइन ए एंड इलेक्शन इन फिफ्टीन सो द करेक्ट आंसर इज यूनियन टेरिटरी। इट इज नॉट बीन मेंशन इन पार्ट सेवन राधर इट इज बीन मेंशन इन पार्ट एट बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, बट आपका बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्टली मैच है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ स्केडस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर काउंसिल ऑफ स्ट्सिकल डिफेक्शन पंचायती सिस्टम और लैंग्वेज करोकेशन ऑफ सीट फॉर काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसमें राज्य सभा के अंदर सीट्स का अलोकेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई सो किस प्राइम मिनिस्टर के टाइम पे नाइन्थ स्टेड्यूल को इंकॉपरेट किया गया था एट दैट वॉज एट द टाइम ऑफ जवाहरलाल नेहरू सो द 9th Schedule was introduced during the prime ministership of Jawaharlal Nehru through First Amendment Act 1951. The 9th Schedule tha, iske basically abolished the and this was in favour of the marginal farmers. Next question, which of the following words have been added to the preamble by 42nd Amendment Act, Socialist, Gram Swaraj, Secular or Sovereign? The correct answer is Socialist and Secular. 42nd Amendment Act, ke through तीन वर्ड्स को बेसिकली ऐड किया गया था सोशलिस्ट सेक्यूलर एंड थर्ड वर्ड इज इंटेग्रिटी दिस वॉज थ्री वर्ड्स वर्ड बीन एडेड इन दी प्रियम्बल सो ये बात आपको ध्यान रखनी है नेक्स्ट द गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सिक्योर और अश्योर ऑल इट सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है सो द करेक्ट आंसर इज All of the above. The preamble embodies the basic philosophy and fundamental values on which the Constitution is based. Preamble is aimed to secure to its all citizens justice. Kaisi justice milni Social, economic, political justice. Liberty kaisi Thought, expression, belief, faith, worship. Equality in respect to status, opportunity, and fraternity, which ensures the dignity of the individual, unity and integrity of the nation. So, iska answer jo hai, apka hai. Next question: India is a republic. Means. It is the people who are final authority in all matter. There is no parliamentary system of government. There are no hereditary rulers in state. India is the union of state. So republic ka kya matlab hai? Where there are no hereditary rulers because we do not have any sort of monarchy. So republic means a state in which supreme power is held by the people and head of the state is elected by the people through election.

डीपीएसपी फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियल ऑब्जेक्टिव है वो कौन कौन से पोर्स में आपको दिखते हैं प्रियम्बल में डीपीएसपी में फंडामेंटल राइट में और फंडामेंटल ड्यूटीज में ये इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है आप वीडियो पॉज करके इसको एक बार पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेलफेयर स्टेट एम्स टू सिक्योर मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ मैक्सिमम नंबर मैनेजमेंट और वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन प्रोवाइड हेल्थ फैसिलिटीज नान ऑफ द अब द करेक्ट आंसर इज मैनेजमेंट और वेलफेयर ऑफ दी वीकर section the welfare state is a concept of government in which state plays a key role in protection and promotion of social economic well-being of its citizens based on the principle of equality of opportunity equitable distribution of wealth public responsibility for those unable to avail themselves the minimum necessities for a good life सो ये जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पोर्शन में है इट इज बीन डीपीएसपी एंड इट एम्स टू मैनेज द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन विच कंट्री ब्रिटेन बेल्जियम फ्रांस और स्विट्जरलैंड द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फेडरल फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन Distribution of power between center state, entirely written constitution, single citizenship, and independent judiciary. So, the correct answer is single citizenship. Indian constitution has both federal as well as unitary features. Its federal characters include written constitution, rigid constitution, as well as the flexible one, distribution of powers between center and the state, independence of judiciary and bicameral legislature, and many more. However, it is also include features like single citizenship, appointment of governor by president, declaration of emergency, power of parliament for agreements implementation, which are the unitary characteristics. The unitary characteristic meatahaya apka single citizenship. So that's why it is not the provision of the federal feature. Next question: National bird of India. The national bird of India is cuckoo, swan, peacock, or pigeon. The correct answer is peacock. The national bird of India is peacock. Scientific name is Pavocristatus. Notable that banyan is the national tree, mango is the national fruit, sattamev jayate is the national motto taken from Mandukke Upanishad. These informations aapko yaad hai. inscribed in the script at the base of national emblem which has been adopted as national emblem from lion capital of Ashoka erected at Sarnath, Varanasi. Ganges river dolphin is the national aquatic animal of इंडिया सो नेशनल बोर्ड के साथ आपको ये इंफॉर्मेशन भी ध्यान रखनी है कि नेशनल ट्री बैनियन ट्री है नेशनल फ्रूट मैंगो है नेशनल मोटो हमारा सत्यमेव जयते है जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो हमारी रिवर डॉल्फिन है गैंगी रिवर डॉल्फिन है नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया सन लोटस रोज मैरीगोल्ड द आंसर इज लोटस लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया विच इज द एम्बुल ऑफ इंडियन कल्चर साइंटिफिक नेम है इसका निलेम्बो न्यूसीफेरा नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल एनिमल डियर एलिफेंट टाइगर और लायन द आंसर इज टाइगर पैंथेरा टिग्रिसनेस इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव डिक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड टू प्रोटेक्ट टाइगर्स द टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर नाइनटीन सेवेंटी थ्री टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नेशनल लेवल पे टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था एंड इसमें एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो टाइमली मॉनिटर करती है टाइगर्स की पॉपुलेशन को सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस As well. Next question. What does the wheel on national flag symbolize? Freedom, justice, equality, or brotherhood? The correct answer is justice. The wheel on a white strip of national flag having 24 spokes. spokes adopted from Ashoka Chakra, which is a depiction of Dharma Chakra. Represented with 24 spokes, it symbolizes the wheel of law. Next question. नेशनल फ्लैग में कितने स्पोक्स हैं ऑफ 20, 24, 26, 30 आंसर इज फिफ्टी टू सेकेंड जनगण मन द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड इट्स फॉर्मल रिटेंशन टेक्स फिफ्टी टू अ शॉर्टेंड वर्जन कंसिस्टिंग फर्स्ट एंड लास्ट लाइन 20 to play. ध्यान रखना है इट लाइज एट ट्वेंटी थ्री एंड ए हाफ डिग्री नॉर्थ और ये इंडियन स्टेट में कहा से पास करता है उड़ीसा बिहार हिमाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश तो द करेक्ट आंसर इज बिहार द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस ऑलमोस्ट थ्रू मिडल ऑफ इंडिया इट एट इंडियन स्टेट ये आपको याद रखना है इसी के साथ आप एक जरूर एक चीज करिएगा कि इस पूरे स्टेट के ऑर्डर्स को ईस्ट टू वेस्ट एंड वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछते हैं जहां पे आपको स्टेट्स देंगे एंड यू हैव टू अरेंज दो स्टेट इन ईस्ट टू वेस्ट ऑर्डर और वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर सो एट इंडियन स्टेट जहां से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है देआर मिजोरम त्रिपुरा वेस्ट बंगाल झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान एंड गुजरात दिस हेज बीन अरेन्ज आप इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी अरेंज करेगा दस एट प्रेजेंट नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन झारखंड वॉज द पार्ट ऑफ द बिहार सो एट प्रेजेंट हम लोग देखेंगे सो इट इज थ्रू झारखंड बट आफ्टर झारखंड बिकेम द सेपरेट स्टेट सो अभी हमारा जो इसमें आंसर है दैट इज आर झारखंड विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड मणिपुर मिजोरम और त्रिपुरा करेक्ट आंसर इज मणिपुर नेक्स्ट क्वेश्चन

इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ कौन सा ऑर्डर सही है वेस्ट बंगाल नागालैंड असम मेघालय नागालैंड असम सिक्किम वेस्ट बंगाल मेघालय असम वेस्ट बंगाल त्रिपुरा नागालैंड असम वेस्ट बंगाल त्रिपुरा द करेक्ट आंसर इज मेघालय असम वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विद भूटान इनमें से कौन सा स्टेट भूटान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता सिक्किम मेघालय अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल द करेक्ट आंसर इज

Park Strait Bay, Gulf of Kambath or Gulf of Kutch. The correct answer is Park Strait Bay. Next, in which part of Uttarakhand are artisan wells found? Babar region, Terai region or Shivalik Hills? So, the correct answer is Terai region. An artisan well is simply a well that doesn't require a pump to bring water to the surface. This occurs where there is enough pressure in the aquifer

द लेसर हिमालयास इज लोकेट बिटवीन चांस हिमालय ग्रेटर हिमालय शिवालिक ग्रेट हिमालय चांस हिमालय शिवालिक और शिवालिक इन आउटर हिमालय द करेक्ट आंसर इज शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है डू रीड दिस इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्टली अरेज है इन रिस्पेक्ट टू द पीक्स जो ईस्ट टू वेस्ट अरेज है एवरेस्ट कंचनजुंगा अन्नपूर्णा रेंज धौलागिरी रेंज कंचनजुंगा एवरेस्ट अन्नपूर्णा दौलागिरी कंचनजुंगा दौलागिरी अन्नपूर्णा एवरेस्ट एवरेस्ट कंचनजुंगा दौलागिरी अन्नपूर्णा द करेक्ट आंसर इज कंचनजुंगा एवरेस्ट अन्नपूर्णा एंड दौलागिरी देखिए इसको हम लोग ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करते हैं कंचनजुंगा एवरेस्ट कंचनजुंगा इज अ पीक विच इज इन सिक्किम एवरेस्ट इज अ पीक विच इज इन नेपाल देन अन्नपूर्णा इज इन वेस्ट ऑफ एवरेस्ट एंड देन दौलागिरी रेंज इज अगेन इन दी वेस्ट ऑफ दी अन्नपूर्णा पीक तो ये पूरी डिटेल्स इसके अंदर मेंशन है डू रीड इट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया अन्ना मुद्दी डोडा बेटा अमरकंटक और महेंद्रगिरी सो द करेक्ट आंसर इज अन्नायुद्दी अन्नाई मुद्दी इज द हाइएस्ट पीक ऑफ सादर्न इंडिया एंड अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैविंग एन एलिवेशन ऑफ टू सिक्स नाइन फाइव मीटर्स लोकेटेड इन इडुकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला बाकी पीक्स की हाइट कितनी है डोडा बेटा इज टू सिक्स थ्री सेवन मीटर्स अमरकंटक इज वन जीरो फोर एट मीटर्स एंड महेंद्र गिरीज वन फाइव जीरो वन मीटर्स अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन पे अपने आंसर्स दे सकते हैं हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ इज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नारोची मोतीलाल घोष और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे और इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे सो फॉर टूडे वी हैव डन विद आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी किसी भी वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करिए अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं सो so आप हमारे को हमारे गिवन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेल आई पे कोई क्वेरी डाल सकते हैं आप हमारी उत्तराखंड की सीरीज जो है उनको भी देख सकते हैं वो रेगुलरली हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो रही है सो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स Till then, take care, be safe, thank you so much.